एक तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटना से सटे आईआईटी बिहटा में कोरोना के दर्जन भर मामलों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल आईआईटी बिहटा के 15 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद आईआईटी कैंपस में एक सप्ताह के लिए एकेडमिक सेशन सहित सारी गतिविधियों को बंद किया गया। साथ ही कई एकेडमिक बिल्डिंग में कंटेनमेंट जोन बनाया गया और सभी छात्रों को उसी हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। इसी मामले पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। दानापुर पहुंचे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार लापरवाह बनी हुई है और साथ ही कोरोना जांच की धीमी गति पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। यह बात उन्होंने अनिसाबाद में एक सड़क के उद्घाटन के करने के दौरान कही। और अब आज झारखंड ही कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। रांची और जमशेदपुर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 24 घंटे के भीतर झारखंड में 186 लोग संक्रमित हुए हैं। रांची में 569 और जमशेदपुर में 99 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5882 हो गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोरोना का टीकाकरण भी जारी है। टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 8,97,087 लोगों ने पहला और 4,205 लोगों ने दूसरा डोज लिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज शाम 6 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद राज्य सरकार कड़े फैसले ले सकती है। मेरा पहला डोज है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वे ले लें जो नहीं लिए हुए हैं। घर में बच्चे लोग परेशान रहते हैं, किसी को कोविड हो जाता है तो भाई बहुत तेज से बचाव है, बूस्टर होता है, इससे कोई भी हानि नहीं, सिर्फ फायदा और फायदा है इससे। और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, और लोगों को एकदम जागरूक होना चाहिए, निर्धारक आकर मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है। लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि देखी जा रही है। खासकर राजधानी रांची और जमशेदपुर में कोरोना के बेतहाशा मरीजों मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आज मीटिंग होने के बाद कई कड़े फैसले ले सकती है। तो झारखंड में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। रांची के छात्रावास में कई छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाई गई और साथ ही पूरे झारखंड में चाहे लातेहार हो, जमशेदपुर हो, देवघर में तमाम जगहों पर कोरोना के मरीजों की संख्या में बीते सप्ताह में दोगुनी वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान भी जारी है, जिसके साथ लगातार कई लोगों को टीका दिया जा रहा है और हजारों लोगों को अभी तक टीकाकरण दूसरे चरण का टीकाकरण दिया जा चुका है।